पंजाब में नेताओं के बीच जुबानी जंग चरम पर है और इसके केंद्र में है सीएम भगवंत मान। विरोधी अपने बयानों से भगवंत मान को निशाना बना रहे हैं तो वो भी हर बार जोरदार पलटवार कर रहे हैं। अब अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे मुख्यमंत्री भगवंत मान तिलमिला गए हैं। देखिए जरा। भगवंत मान ने 15 महीने पहले 16 मार्च 2022 को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और ये तभी से अपने बयानों की वजह से विवादों में घिरे रहे हैं। भगवंत मान कभी विरोधियों पर वार तो कभी तीखे पलटवार को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू से जुबानी जंग के बीच नया विवाद अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल के बयानों से शुरू हो गया है। सबसे पहले सुनिए सुखबीर बादल ने क्या कहा जिससे पंजाब का सियासी पारा चढ़ गया है। जदों का पंजाब बनया चार मुख्यमंत्री बने, तीन ही समझ लो, बरनाला साहब तो मतलब 2.5 साल ही रहे हैं, पर बादल साहब बने तकरीबन 20 साल, कैप्टन अमरिंदर सिंह बने 10 साल, बेअंत सिंह बने 5 साल, ते अपने आ जड़ा अज जड़ा पागल जा वह मतलब 10 साल ही हुए। सो हुण की है, सुखबीर बादल ने भगवंत मान को पागल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कहा तो भगवंत मान ने करारा जवाब देते हुए उन्होंने सुखबीर बादल के बयान का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, ये देखो पंजाबियों, इनकी बौखलाहट और दिमागी संतुलन खराब है। बादल भी साहब, बरनाला भी साहब, बेअंत सिंह भी और कैप्टन भी साहब, मैं पागल जैसा कोई बात नहीं। सुखबीर बादल जी, मेरे साथ कुदरत है और मेरे साथ लोग हैं, कम से कम ये पागल पंजाब को नहीं लूटता आपकी तरह। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू से भी उनका सियासी टकराव निजी हमलों तक पहुंच गया है। सिद्धू ने उनकी पत्नी को लेकर कमेंट किया तो भगवंत मान ने भी तंज कसते हुए सिद्धू को दूसरी मां का बेटा कह दिया। मैं इस मंच तो कहना भगवंत मान तू चोर है, टका के कहना मैं चोर है, तू जड़ा सिस्टम बदलना आया सी मित्र प्यारिया, ये कहना नहीं कहने, मैं कहूं तू जड़ा सिस्टम बदलना आया सी ना, उस सिस्टम का सरगना तू, उस सिस्टम नु चलाउण वाला तू, ते अज ये मजनू मान बदलाव चलन करन चलिया सीगा, सवाए घर वाली ते बदलिया की इहने, इहदा नां रख्या मजनू मान जी। बड़े वड्डे वड्डे स्कूलां च पढ़े होए ने जी, अज तां सरकारी वाले आ, ओह की बोल रहा सी, मैं तां फिर जवाब इदां ही देऊं उहनां दी भाषा च, ओह की कहिंदा सी, भगवंत मान ने बदला लिया सी, 1.25 साल हो गया, भगवंत मान की बदला लिया, सिर्फ पत्नी बदली है, आ कहा सी ना, और जिनू जिनू सुना रहा सी, जिदे नाल हमदर्दी करन गया सी, वो बैठा सी हमदर्द, उहदे बापू दे भी दो ने आपदी स्टैनो नाल ही व्याह करा लिया सी। भगवंत मान अपने विरोधियों के हमलों पर पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ते। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार तो अपनी जगह है। सीएम भगवंत मान कभी राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित तो कभी केंद्र सरकार के खिलाफ अपने बयानों को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। आज तक ब्यूरो। पंजाब में बीजेपी ने लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता अभी से मैदान में उतर आए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के पंजाब के और चंडीगढ़ के दौरे पर पहुंचे तो 18 मार्च को अमित शाह गुरुदासपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने 13 संसदीय क्षेत्रों में नशा मुक्ति यात्रा निकालने की भी तैयारी कर ली है। लोकसभा चुनाव होने में अब 1 साल से भी कम समय रह गया है, इसे लेकर सियासत अभी से चरम पर है। सभी सियासी दल जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। पंजाब में बीजेपी इस बार अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है, लिहाजा बीजेपी के बड़े नेता मैदान में उतर गए हैं। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने होशियारपुर में चुनावी रैली की तो आज बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर मंथन किया। जेपी नड्डा सबसे पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर पहुंचे। इस दौरान पटियाला से सांसद कैप्टन की पत्नी परनीत कौर, बेटा रनिंदर सिंह और बेटी जय इंदर कौर मौजूद रही।
जेपी नड्डा और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच पंजाब के कई मुद्दों समेत बीजेपी के एक्शन प्लान पर चर्चा हुई। वैसे तो जेपी नड्डा केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर पंजाब और चंडीगढ़ के दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन कल होशियारपुर में रैली करके जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि उनका मिशन 2024 लोकसभा चुनाव है और निशाने पर आम आदमी पार्टी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है तो बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है। नई नवेली आम आदमी पार्टी ने न केवल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया बल्कि अकाली दल और बीजेपी को एक तरह से सियासी हाशिए पर ला खड़ा कर दिया। अकाली दल एनडीए से भी नाता तोड़ चुकी है, ऐसे में ये दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर पहले से ज्यादा दबाव में हैं, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव और इसी साल हुए जालंधर लोकसभा उपचुनाव में दोनों दल तीसरे और चौथे स्थान पर रहे, जबकि आम आदमी पार्टी नंबर 1 पर चली गई। अब बीजेपी पंजाब में नए सिरे से रणनीति बना रही है। 2 दिन से जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव की तैयारियों का ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुटे हैं, तो 18 जून को अमित शाह गुरदासपुर में बड़ी रैली करने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। मुख्यमंत्री भगवंत मान के विधानसभा क्षेत्र धूरी में एक बार फिर से गन्ना किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एसडीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठा गन्ना किसानों का आरोप यह है कि उन्हें हर बार गन्ने की बकाया राशि के लिए कभी अधिकारियों का घेराव करना पड़ता है तो कभी सड़कों पर उतरना पड़ जाता है। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के पहले किसानों से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन हालात जस के तस हैं। मान लो फसली विभिन्नता की गल कर दी, फसली बदलाव की गल कर दी, पर दूजे पास जिहड़ियां गन्ने दीआं पेमेंटां ने ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਪੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੰਨਾ 14,000 acres ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5,000 acres ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਗੰਨਾ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ, ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਬੋਰ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੋਰ 'ਤੇ 4 lakh rupees ਲੱਗੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਖੜੀ ਹੈਗੀ, ਆਧਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆੜਤੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਬੋਕ ਕਣੀ ਉਹ ਬੋਰ ਖੜਾ ਗਾ, ਸਮਾਨ ਪਾਉਣ ਕਣੀ ਉਹ ਜੀਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਪਿਆ ਗਾ। ਉਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਖੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੰਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਜੀ 15 to 20 kilos ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕਿ 17-18 lakh rupees ਜੀ ਮਿਲ ਗਣੀ ਖੜਾ ਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ 18 lakh rupees ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 17-18 lakh rupees ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। 17-18 lakh rupees ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਬਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ 50,000 rupees ਮੰਗਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 50,000 rupees ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਚੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜੀ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਬਈਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੂੰਗਾ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਦਬੀ ਖੜੇ ਨੇ ਮਿਲ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਵਾ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੂਰੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਧੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉਰੋਂ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ 24 hours ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਾੜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ 20 kilos ਦਾ ਪਾਣੀ 1 kilo ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। सरहद पार करके पाकिस्तान में घुसपैठ करते हुए एक महिला को बीएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी लेने पर उसके पास से पासपोर्ट और जीरकपुर का आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। दरअसल ये महिला उज्बेकिस्तान की रहने वाली है। पुलिस के मुताबिक महिला सीमा से सटे गांव के रास्ते से भारत पाकिस्तान सीमा क्रॉस करके पाकिस्तान में घुसपैठ करने का प्रयास कर रही थी। बीएसएफ ने जाँच के लिए महिला को पुलिस के हवाले कर दिया है। पर कोई डॉक्यूमेंट है नहीं है, एक दो डॉक्यूमेंट्स थोड़े वेरीफाई कर रहे हैं, गलत है तो वेरीफाई कर रहे हैं, हजे बाद डिटेल थोड़ी देखो। हाँ जी, जान चल रही है उस तो बॉर्डर के नाल ही उतों तक ये कहने मुताबिक यह उतों टैक्सी करके दिल्ली तो इतने आई सी, तो इतों ये कहने मुताबिक भी एक कसूर जाना चाहती सी भी कोई विआह किसी ने किया, पर यह हजे सानू जांच के लग नहीं रही गल्ला,
तो थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसके करके गल करके पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह से बड़ी राहत मिली है उन्हें। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग के यौन शोषण के आरोपों पर बृजभूषण को क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान से यौन शोषण के आरोपों को खारिज करने की कोर्ट में अर्जी भी दे दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नाबालिग पहलवान के आरोपों पर कोई सबूत नहीं मिले, इस पर 22 जून को कोर्ट में अगली सुनवाई है। उधर दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान के आरोपों को रद्द करने की मांग को लेकर 550 पन्नों की एक रिपोर्ट भी सौंपी है। चार्जशीट दाखिल होने से पहले आज तक ने बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बृजभूषण ने कहा है कि वो राजनीति नहीं कांग्रेस के शिकार बने हैं। उन्होंने पहलवानों के आरोपों के पीछे कांग्रेस को बताया है। आपने ये भी अभी हलकों में आया है कि आपने बताया कि एक राजनीति साजिश है, जिस तरह से पूरा धरना प्रदर्शन आरोप। अभी मैं सुबह एक्सरसाइज करके जब गेट पर उतरा तो कोई मीडिया के बंधु खड़े थे, उन्होंने एक अनौपचारिक सवाल पूछ लिया कि क्या आप राजनीति के शिकार हैं। हमने कहा हम राजनीति के शिकार नहीं है, हम कांग्रेस के शिकार हैं। और ये जो घटनाक्रम चल रहा है इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है, समय आने पर विस्तार से बताएंगे, लेकिन हम राजनीति के शिकार नहीं हैं, हम कांग्रेस के शिकार हैं। ये जो पूरा एपिसोड हुआ, जितने आरोप प्रत्यारोप लगे, सबके पीछे कांग्रेस है। कांग्रेस है, कांग्रेस मेरे कुंडली में बैठी हुई है, फिर कभी बताएंगे, लेकिन कांग्रेस मेरी कुंडली में बैठी हुई है। मुझे जब भी तकलीफ होती है तो कांग्रेस में होती है। अच्छा, पुलिस यहाँ भी आई थी, पुलिस यहाँ भी आई थी जांच करके। जांच कर। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो जांच हुई, क्या आपको लगता है आप क्या इंसाफ मिलेगा या नहीं? ये इस पर बोलना उचित नहीं है, बोलना उचित नहीं। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दूसरा शरद सिंह, जिनका कहना है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप लगे इन सबके पीछे कांग्रेस है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और अब कहानी हिम्मत और हौसले की। हरियाणा की एक जूनियर एथलीट ने बेहद कम सुविधाओं के बावजूद कामयाबी की एक ऐसी मिसाल कायम की है जहां तक पहुंच पाना आसान नहीं होता। उनकी कहानी ये बताती है कि लगन सच्ची अगर हो तो कुछ भी किया जा सकता है। ये जूनियर एथलीट अब तक देश विदेश में हाई जंप में कई मेडल्स जीत चुकी हैं। हौसला बुलंद हो और इरादे नेक तो मंजिल कदम चूमती है। मैदान पर जुगाड़ से तैयार किए गए सेटअप पर हाई जंप की प्रैक्टिस करती पूजा कुछ यही बताना चाहती हैं। हरियाणा के फतेहाबाद की रहने वाली पूजा ने हाल ही में हुई अंडर 20 जूनियर एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया था, लेकिन पूजा की कामयाबी का यह सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। एक दौर ऐसा भी था जब वो पराली से भरे कट्टों पर अभ्यास किया करती थी, मगर पूजा ने चुनौतियों के आगे घुटने नहीं टेके बल्कि उनका डटकर सामना किया। मैं कर्नाटका में सर अंडर 18 की टूर्नामेंट हुई थी, उसमें सर 177 करके मीट रिकॉर्ड किया था। उसके बाद सर मैं इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई किया था सर, उसमें इंटरनेशनल में भी 177 किया और सर गोल्ड। और उसके बाद सर अभी सेकंड टाइम इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुई थी, वहीं से मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन इस बार सर मैंने अपना पर्सनल बेस्ट भी किया, इंडिया रिकॉर्ड भी किया है, अंडर 18 और अंडर 20 का दोनों का रिकॉर्ड किया है सर। 182 का जंप किया था सर मैंने। पूजा के पिता मिस्त्री का काम करते हैं, वो जितना कमाते हैं उससे उनके घर का खर्च भर चलता है। फिर भी उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में पल रहे सपनों को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए रोकना नहीं चाहिए, जितनी हर संभव कोशिश हो प्रयास करना चाहिए। लास्ट तक भाई हमें अपने बच्चों को कामयाब करना है, वो तो बाद की बात है भाई, आगे होता है या ना होता वो तो बाद की बात है। इस काम को आसान बनाया कोच बलवान सिंह ने। अभी भी पूजा अपने कोच के साथ जुगाड़ से तैयार इसी सेटअप पर प्रैक्टिस करती है।
के अंदर, क्योंकि 2017 से ये लड़के मेरे पास आई थी, तो उस टाइम मतलब हमारे पास इतना कोई इक्विपमेंट नहीं था कि हम इसको हाई जंप करवा सकें। तो जब से इसका मैंने 2017 में आई थी, उसके एक साल बाद इसका हाई जंप स्टार्ट हुआ था, तो तब इसका जब हमने टैलेंट देखा कि हाँ अच्छा कर सकती है हाई जंप, तो इसका हमने स्टैंड जैसे तैसे करके कहीं से स्टैंड अरेंज किए थे और इसको हाई जंप शुरू करवाया था। अब पूजा की नज़र सीनियर कैटेगरी में अच्छा प्रदर्शन कर देश और प्रदेश के लिए मेडल जीतने पर है। बजरंग मीना, फतेहाबाद, हरियाणा। संगरूर के मलेरकोट की रहने वाली प्रांजल अग्रवाल ने नीट यूजी के रिजल्ट्स में 715 अंकों के साथ महिला श्रेणी में देश भर में टॉप किया है। रिजल्ट आने के बाद से प्रांजल के घर खुशी का माहौल है। प्रांजल का ऑल इंडिया में चौथा रैंक है। ऐसे में घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। प्रांजल ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई धुरी के एक निजी स्कूल से की है। मेरा नाम प्रांजल अग्रवाल है। मेरी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल धूरी से है और कोचिंग मैंने हेलिक्स इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ से ली थी। मेरा नीट में AIR 4 आया है और पंजाब और नॉर्थ इंडिया में रैंक 1 है और फीमेल्स में भी रैंक 1 है। कैसा फील कर रहे हैं? इस टाइम तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। परिवार वालों का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, उन्होंने मुझे हर एक छोटी छोटी चीज़ में भी बहुत सपोर्ट किया है। मैं अपना मोस्ट ऑफ़ द टाइम स्टडीज़ को ही डिवोट करने की कोशिश करती थी, जैसे आपने 6-7 घंटे सोना और आपने 4-5 घंटे जो भी अपने लिए होते हैं वो निकालने के बाद मेरा जितना भी मैक्सिमम टाइम था मैं कोशिश करती थी कि स्टडीज़ के लिए ही जाए, बट हाँ कंटिन्यू सेशन नहीं थे। अनएक्सपेक्टेड और अनएक्सप्लेन्ड, मुझे नहीं पता था कि घर में मतलब इतना बच्चा मतलब अच्छा शाइन कर जाएगा। शुरू से इसमें लगन काफ़ी है, मेहनती है, इसको अपनी स्टडीज़ के ऊपर अपने काम से ऊपर कुछ नहीं है। इसकी पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी होती है, एक अचीवमेंट इसकी लाइफ में ये भी है, बट स्टडीज स्टडी है ना, तो ये काफ़ी अच्छी डिवोशंस के साथ अच्छा शाइन करके गई है। मेरे लिए मतलब वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब इतने फ़ोन आ रहे हैं पूछो मत, रात को हम 2:30-3 बजे सोए हैं सर, सुबह से फिर से शुरू हैं, मतलब खुशी की लहर है सर ये, मतलब पूरी ऐसे मानो भी मेरे लिए तो बहुत एक्सपेक्टेड नहीं है, मैं जैकपॉट मतलब लगा हुआ है मेरा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी बेटी ऐसा कर पाएगी।